हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम मोहक और आप देख रहे हो मोहक गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम आ गए हैं फिर उड़ते फिरते दो कड़े प्लान में, जिसका कैप्टन था साइन जागरात। पता नहीं ये जागरण वागरण करता है, शायद इसने जागरात रखा है नाम अपना। तो हम आ गए हैं अपने पुराने चौमुस भाई के संग, जिनका नाम है वाइल्ड क्रेजी। जी हाँ गाइस, ये हमारे पुराने मित्र हो गए हैं। हाँ हाँ, हर वीडियो में आप यही देखेंगे, बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं ये। तो कोई ना गाइस, अब हम आ गए हैं दो केडी प्लेन में। और कैसा लगा नूब को मारकर? हाँ हाँ, अभी जो मैंने क्लिप दिखाई आगे गाइस, जो सुकून चैन वो दिल में लगी आग घुसती है ना, इन निहत्ती बंदों को मारकर वो कोई नहीं बुझा सकता। जी हाँ गाइस, बड़ा मज़ा आता है भैया बोट जैसे बंदों को मारकर। नहीं बेचारे कितने मासूम से होते हैं वो बंदे, मैं ही जब मैं कूदता हूँ और वो मुझे भर देते हैं निहत्ता। बट कौन है गाइस, हमने भी कसम खा ली, अब कोई निहत्ता नहीं बचेगा जिंदा मेरे आगे, कोई बचेगा नहीं अब इस दुनिया में निहत्ता, जो आएगा मैं भून दूंगा उसे। तो अब हम आ गए हैं जॉर्जो पूल में। जी हाँ गाइस, और ये वही जगह है जहाँ पर आपको एक गन नहीं मिलती। हाँ, और जहाँ पर आप हर बंदे को भागते हुए दिखेंगे, हर बंदा गन की तलाश में इधर उधर भटकेगा। बट पबजी इस बार मेहरबान था, हमको एक प्यारी सी शॉटगन पकड़ा दिया और कोई गन नहीं पकड़ाई। जी हाँ गाइस, कोई गन नहीं, देख रहे हो ड्रिंक विंग से मिल जाएगी लेकिन गन वन नहीं मिलेगी। तो हमारे नंबर जो दो थे उनसे मैंने पूछा, भाई गन है क्या? तो कह रहा भाई गन ही नहीं है। तो इतने मेरे को मिल गई मिनी। हमने कहा अच्छा। वो पूछता है, भाई तेरे पास गन है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे पास एक भी गन नहीं है। क्यों भाई, मैं क्यों लूँ? अरे मच्छर कहाँ से आ गया, चल हट। तो कोई ना, इसको वेयरहाउस में गन मिल जाती है। और मैं कहता हूँ हाँ, मेरे को अभी भी कंटेनर में मिली गन। कोई ना, तू सेकंड वेयरहाउस लूट, मैं थोड़ा थर्ड वेयरहाउस में लूट के आता हूँ फटाफट। क्या मज़ेदार है भाई, अच्छा वो मैं इधर आया। और इतने में क्या होता है कि मेरे को मिल जाती है M4 द गॉड गन। और लेवल टू वेस्ट हेलमेट ये सब तो मिल ही गया। अब क्या सीधा सामने थे बंदे, वो देख रहे हो कैसे भाग रहा है बेचारा। मैं सोचता हूँ यहीं से शॉट लूँ और भून लूँ, बट वो इतने में भाग जाता है। तो इतने में ये आता है, अरे भाई कहाँ जा रहा है। तो इसको मैं फिनिश नहीं कर पाया, बट नॉकआउट कर गया। और ये हम डुओ गेम प्ले खेल रहे हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है वो रिवाइव कर रहा होगा। तो मेरे को मालूम पड़ गया था ये जो सामने जो कंटेनर है वो उसके अंदर ही होंगे। तो मैं जल्दी नंबर डुओ को बुलाता हूँ, भाई आ जा। नहीं नहीं थोड़ा पीछे रह, वरना किल ले लेगा। तो इसको मैं इससे सपोर्ट लाता हूँ, तब तक ये रिवाइव कर देता है। और इसका मैं गच्छोच कर देता हूँ। तो जो आखिरी बंदा था वो बेचारा बिना हेल्थ के लड़ाई कर रहा था मेरे संग। जी हाँ गाइस, कोई ना, इसका गच्छो कर दिया मैंने। तो इनको मारने के बाद थोड़ा सा मेरे को दिल को सुकून आया, चैन आया और प्यास आई। हाँ पानी पी ले पहले, एक सेकंड। तो पानी पीने के बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं बंदे कहाँ हैं। तब तक नंबर जो दो होता है वो कहता है भाई राइट है बंदा है। तो मैंने कहा ठीक है चल 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 मेरे संग चल। तो अब वो कहता है कि भाई इधर साइड बंदा है, तुम कहाँ जा रहे हो जल्दी फास्ट फास्ट। हमने कहा भाई ये हाइकल्स गेम प्ले है, इसमें हम मारने के लिए आते हैं और मार के चले जाते हैं, बंदों को पता नहीं चलता। तो इतने में क्या था कि जो बंदे थे वो कहीं और ही थे। हाँ वेयर हाउस, वो देख रहे हो सामने वेयर हाउस। तो इन लोगों ने अपनी फाइट वाइट लेकर, बेचारा अकेला बंदा बचा था वो, पता नहीं वेयर हाउस में छुप के बैठा हुआ था, कहता भाई बंदे आएंगे तो मैं भाग जाऊँगा। तो मेरे को भाई क्या उठा रहा हूँ मैं, तो मेरे को हल्के से फुटस्टेप आती है और मैं समझ जाता हूँ ये वेयर हाउस से बंदा है। तो कोई ना, कर देते इसका गच्चो। तो मेरे को लगता भाई वेयर हाउस में है तो है काम, मैं अकेला जाऊँगा कहीं भूल ना दे, क्योंकि आजकल बंदे होशियार हो गए हैं। जी हाँ गाइस, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, तो थोड़ा सा धीमे धीमे आगे बढ़ा जाए। तब पे जो नंबर दो होता है वो नेट पिन करता है और ये काफ़ी अच्छा खेलने लग गया है, पता नहीं कहाँ से इसको मैंने सिखा दिया। तो जैसे ये बंदे को फोड़ता है तो मैं कहता हूँ भाई मेरा किल ले लिया इसने, कोई ना। तो मैं थोड़ा राइट से जाता हूँ और इसको फिनिश करता हूँ कि पता नहीं बंदा है कहाँ, बंदा शायद नहीं था। और इतने में ये बंदा दिखता है, भाई नंबर दो अकेले क्लच कर जाते हैं यहाँ मेरे सामने, मेरे कंटेंट की धज्जियाँ उड़ाते हुए। तो इनका कोई दोष नहीं है, मैंने ही गलती से कह दिया था भाई मुझे कवर देना,
बट इस कदर देना कवर मैंने नहीं सोचा था। तो कोई ना, अब जो बंदे थे पता नहीं कहाँ थे, अब ये शायद आखिरी स्क्वाडी लड़ लड़ा के बेचारी बची हुई थी, बेचारी जान बचा रहे थे अपना। और मैं थोड़ा सा आगे चेक कर कहता हूँ कि शायद यहाँ वहाँ बंदे कहीं हों। तब तक जो नंबर दो होता है वो कहता है भाई इधर है बंदे, मैं तो कहता हूँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो जो बंदा है मेरे को दिखता तो है नहीं, तो मैं कहता हूँ ठीक है मैं राइट से फ्लैंक मार के आता हूँ अभी एक सेकेंड में यहाँ गाड़ी। तो मैं पूरा राइट से किंग एंग्रो की तरह राइट से पूरा फ्लैंक मारता हूँ और सोचता हूँ कि भाई कोई बंदा दिख जाए मेरे किल मिल जाए, मेरे को एक किल दे दे बाबा तुझे रानी की कसम। कौन रानी बे? अरे अरे वही 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 जो कॉलेज में तुम मिला करते थे वही रानी। तो कौन है गाइस, जो बंदा था वो हमारे नीचे था और मैं सोच रहा था कहाँ है बंदा, किसको मारूं मैं। तब तक हमारे जो नंबर दो हैं पता नहीं आज कौन सा भांग पी कहते या कान में अपने ईयरफोन डाल रखे थे, जो किल पे किल किए रहते मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तो इतने में मैंने ना सुड्डी लगाई, भाई तू मर जा, हाँ हाँ तू इस गेम में मर जा, मुझे कोई तेरा दोष नहीं है, बहुत मार रहा है तू। तो इतने में क्या हुआ, मेरी नसुड्डी भगवान ने सुन ली और इसका गचोचो कर दिया एक कैंपर ने। और भाई मेरे को लिटरली इस फॉग वाले एरिया में कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैं हल्का सा मुझे तो कुछ दिखता है तो मैं एक अंधा फायर लेता हूँ कि भाई शायद शॉट पड़ जाए, और अंधा शॉट पड़ गया। जी हाँ गाइस, तो इसको जैसे ही पड़ता है तो मैं कहता हूँ कितना लकी हूँ मैं यार, इस फॉग में भी अंधा स्प्रे मारने पे बंदे मरते हैं। तो भाई ये कह रहा है रियल बंदा है, तो मैंने कहा भाई तू मर जा कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे कैंप कर रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं क्योंकि मेरा कंटेंट है मेरा जिंदा बाद होना चाहिए। तो भाई मेरे तरस आता है यार, नंबर दो नहीं रहेगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा इस गेम में। तो भाई इस भरे फॉग में कुछ दिक्कत है नहीं, तो मैं बन जाता हूँ कैंपर। जी हाँ गाइस, एक कैंपर को मारने के लिए सबसे आसान तरीका है टू कैंपिंग। तो बेचारा ये अकेले पता नहीं क्रेट में कहाँ क्या करने गया था, शायद नॉकआउट बंदे को ढूंढने गया था, हमारे बंदा तो यहाँ था। तो इसका गच्छो वच्छो कर दिए इस भरे फॉग में और इसको फटाफट मैं रिवाइव करता हूँ कि भाई आगे से ज़रा जान बचा के खेलना, मैं नहीं जानता मैं आगे रिवाइव नहीं करूँगा। तो इस नमन माथुर का क्या ये मॉडल था पता नहीं ब्रो। तो इस नमन माथुर का मैंने गच्छो वच्छो कर दिया और आ गया गाड़ी में बंदूक की तलाश में। तब तक ये बोर्ड दिखता है तो मैं या फ्री किल्स पबजी थैंक्स ब्रो। अब आप कहोगे भाई ये तुमने तो तीसरा किल किया था वहाँ पे और ये पांचवा डायरेक्ट कैसे, एक और बंदा कहाँ मारा तुमने दिखाया नहीं मेरे को। तो गाइस वो बोट था, मैं क्या करूँगा यार बोट दिखाकर शुरुआत में दिखा दिया बोट, 10 बार सोना दिखाऊँगा। तो इतने में कह रहा मेरे को थोड़ा सा फुटस्टेप आती है तो मैं लगता शायद बंदा है, और इतने में ये गाड़ी वाले आते हैं देखिए कैसा। तो भाई मेरे को गाड़ी वाले दिखे तो मैं थोड़ा सा भर देता हूँ इनको। ओ भाई मारो मुझे मारो, जो मैंने वाइल्ड क्रेजी को इस गेम में बुलाया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैंने इस गेम में इसको ऐड किया कि भाई तेरे संग मैं बनाऊंगा कंटेंट, मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो मैं जिस काम के लिए यहाँ रुका था तो मैं वहाँ देखता हूँ कि शायद बंदा है क्या, तो मेरे को दिखता नहीं तो इसने शायद मेरी बात सुन ली दिल की, तो ये सॉरी कहता भाई सॉरी यार खेल ले लिया, ये पता नहीं गाड़ी कैसे फूट गई, भाई मैंने भी डैमेज दिया और मुझे दिख नहीं रहा था तो मैंने अंधा फायर दिया था, बट किल इसने ले लिया यार। भाई तुम जब देख रहे हो कि गाड़ी फूट रही है तो तुमने क्यों मारा है? नहीं भाई तुमने क्यों मारा मेरा किल तुमने क्यों चोरी किया, वो भी एक नहीं दो दो, भाई साहब दो दो किल ले लिए तुमने मेरे, क्यों किल लिया तुमने मेरे, ऐसी क्या गुस्ताखी थी? नहीं तुम्हें माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी वरना मैं ऐड नहीं करूँगा अगली गेम में, बता रहे हूँ। तो इतने में क्या था, वो बंदे छुपन छुपाई खेल रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे बंदे, भाई मिलते ही नहीं है कोचिंग की हम। हाँ आप बोलोगे भाई चौथा किल कहाँ किया, कोचिंग की में किया था भाई, कोचिंग की भी देखा है, इधर भी देखा है उधर भी देखा है, बंदे मिलते ही नहीं है। नहीं भाई बंदे कहाँ जाते हैं भाई हमको बता दो प्लीज़, पूरा मैप छान आता हूँ भाई, मेरा हाई किल्स गेम प्ले का लो किल्स गेम प्ले बन जाता है, पता नहीं क्या सीन है। तो ड्रॉप दिखा मेरे को, तो मेरे को लगता भाई यहाँ शायद बंदे बंदे हों, पता नहीं कहाँ बंदे रहते हैं आजकल, पता नहीं कौन सी घर में कैंपिंग करते हैं जो बंदे दिखते नहीं हैं। तो ड्रॉप दिखता है मेरे को तो शायद बंदे ड्रॉप पर आए, इसी उम्मीद में लेकर मैं ड्रॉप पे चला जाता हूँ। तो ड्रॉप पे जैसे मैं, ओ भाई गाड़ी अटक जाती है यार,
ध्यान दे दिया। जैसे मैं आ रहा था तब तक बग्गी वाले दिखते हैं, तो भाई मैं उतरता हूँ और थोड़ा सा M249 का स्प्रे देता हूँ। भाई मेरा घटिया स्प्रे यार, M249 सुधारना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा मैं रुकता हूँ, तब तो भाई वाइल्ड क्रेजी भाई चोरी कर लेते हैं। नहीं भाई, क्या तुम भी कंटेंट बना रहे हो क्या? क्या तुमने भी यूट्यूब चैनल खोला है अपना? नहीं, हमको बता दो, क्या तुम छुपे छुपे मेरा कंटेंट बर्बाद करना चाहते हो? तुम क्या करना चाह रहे हो? नहीं, तुम धोखा दे रहे हो। कोई ना भाई, इसने एक और किल चोरी कर लिया, मेरा दिल पे पूरे आग जल रही आग। तो कोई ना, हम ब्रिज की साइड आते हैं कि ये बंदे भाई शायद इस साइड आए हों। कोई ना कोई तो होगा, अगर ये बगी वाले हैं तो शायद ये भाग कर आया हो। तो हम ब्रिज पे भी आते हैं, क्या पता ब्रिज कैंपिंग कर रहे हो, क्योंकि भाई कैंपिंग आजकल तो हर जगह कर रहे हैं बंदे, शायद ब्रिज पे हो। बट ब्रिज पे कोई नहीं दिखता था, एक गाड़ी आती है। जैसे हमको गाड़ी साउंड होती है तो भाई मैं कहता हूँ भाई जल्दी भाई जल्दी भाई, मैं सब भागते हैं, गाड़ी आ गया है। तो मेरे को मालूम था कि ऊपर भाई शायद बंदे हैं, तब तक भाई वाइल्ड क्रेजी भी और कंफर्म कर देता कि भाई ऊपर ही बंदे हैं। तो मैंने कहा था ठीक है, तो मैं फट्टा से गाड़ी अपनी ऊपर चढ़ा के रोक उनका गच्चो गच्चो कर देता हूँ। हाँ गाइस, देखिए सर, मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था प्री नेड हमेशा किया करो, क्या पता कोई फूडी है यार फ्री किल मिल जाए। तो कोई जैसे फूटा नहीं, तो मैंने को लगता भाई घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई किल लेने, क्या पता भाई वाइल्ड क्रेजी ले ले। तो वाइल्ड क्रेजी को मैंने पहले इस बार डांट दिया था, भाई पीछे रहा तू मेरे संग, और इसको मैं हल्का डैमेज देता हूँ, मुझे मालूम पड़ गया राइट लगता है। तो मैं फटाफट थोड़ा सा ही वो रिलोड कर लूँ और गच्छो अच्छो कर देता हूँ। वो देखो क्या कर रहा है। ओ भाई, मैं सोचता हूँ भाई एक बंदा है बट ये दोनों का हेडशॉट, आहा क्या बात है, जी जी ब्रो मज़ा आ गया। तो कोई ना, इनका जैसे गच्चो वच्चो किया, अब मैं वाइल्ड क्रेजी बुलाता हूँ, भाई तू आ सकता है। तो भाई कहता है भाई मुझे वो लूट चाहिए। तो मैंने कहा भाई चल यार, वैसे भी 7-8 बंदे बचे हैं यार, मारते हैं यार, तुम क्या लूट करोगे इतने में। कहता नहीं भाई मेरे को लूट चाहिए, इतना बंदे मैंने मारे यार, तुम तो कुछ खेल नहीं पाते हो, मैं ही खेल लेता हूँ और मैं ही लूट करूँगा अब। सामने का ठीक है भाई, तुम ही कंटेंट बना लो, तुम ही लूट लो सब। तो इसकी लूट हो गई है पूरी, इस कैंपर की, वाइल्ड क्रेजी नामक बंदे की। और मैं आ गया यहाँ पे गाड़ी में और बंदों की तलाश में निकल लेता। तो क्या जैसे हम लोग जा रहे थे, अबे जा नहीं रहे, देख रहे हो प्रमोशन का टाइम आ गया। तो ये छुक छुक गाड़ी जैसी आई तो मुझे मालूम पड़ गया प्रमोशन का टाइम का वक्त है। तो गाइस, ये इंस्टा हमारा अकाउंट दिख रहा होगा, mohak_sena30। तो गाइस प्लीज़ आके चेकआउट कर लेना और फॉलो कर देना, मैं डेली गेम प्ले डालता हूँ वहाँ पे, प्लेसेस 1v2 1v3 1v4 जैसा भी हो पाता है, तो ज़रूर चेकआउट करना। और लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगी नोटिफिकेशन और वहाँ पे स्टोरी में, तो जाके ज़रूर फॉलो करो और प्रमोट करो, मेरा फॉलो बढ़ाओ। तो गाइस यहाँ पे आपका टिकटॉक भी अकाउंट दिख रहा होगा, और जाके ज़रूर चेकआउट करना। और अगर टिकटॉक नहीं बनाते हो तो इंस्टॉल करो, फॉलो करो, फिर अनइंस्टॉल मार दो, कोई दिक्कत नहीं, अपना भाई है। तो फॉलो ज़रूर करना टिकटॉक पे, मेरे को टिकटॉकर बनना है, पता नहीं क्या भूत सवार हुआ है। तो गाइस इस भूत को उभार दो, इस बंदे की आग बुझा दो। पता नहीं कहाँ है आजकल बंदे, भाई देख रहे हो कितनी मैंने गाड़ी घुमा डाली इतनी बग 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 में, इधर उधर मैं घूम गया भाई, मैं सोचता शायद इधर बंदे हैं। जहाँ से हम लोग मार के आते बट बंदे तो मिले ही नहीं बहुत। जी हाँ गाइस, मैंने इधर उधर बहुत चेकआउट किया। तो तुम क्या था, सामने वाला जो कंपाउंड है, मेरे को लगता है शायद यहाँ बंदा हो, क्योंकि पता नहीं एक बार देख चुके हैं बट कोई ना। तो इतने में मेरे को आती फुटस्टेप एक बंदे की, तो मेरे को मालूम पड़ गया कि यहीं पर बंदा है, और वाइल्ड क्रेजी ने एक और कंफर्म कर दिया। तो जैसे अंदर जा रहा था मैंने कहा रुक, मैं मार कहता हूँ, ओ भाई ये तो यहीं बैठा हुआ है। फिर क्या था, कर दिया इसका गच्चो वच्चो। तो इस अकेले बंदे का मैं मार कर, इसका लॉबी भेज कर, इसका कंटेंट बर्बाद करके मज़ा आ गया। तब तक देख रहे हो उसका स्वैग, देखो देखो नंबर 2 का, थैंक यू, उसका स्वैग देख रहे हो? नहीं नहीं, हाँ हाँ मैं अच्छा खेलता हूँ, मतलब तुम कंटेंट में चोरी करोगे, ऊपर से तुम हंस रहे हो हैं, ताली बजा रहे हो हैं। नहीं नहीं भाई, गलत बात है भाई, आगे से ऐसा ना करना, वरना मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, छोड़ो यार तुम ही भाई हो मेरे, भाई मत लेना यार प्लीज़ यार, भाई के नाते। तो कहो ना गाइस, इसका गच्छो वच्छो करने के बाद फिर हम गाड़ी में बैठ जाते हैं और बंदों की तलाश में फिर निकल जाते हैं। इतना छोटा सर्कल है, पता नहीं ना जाने कहाँ से आप वहाँ सूप बन के बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन सी कॉन्क्रीट पुश कर रहे हैं इस सीज़न एंडिंग में।
12th सीजन। तो गाइस 13th सीजन आ रहा है और नया रॉयल पास, कौन कौन रॉयल पास ले रहा है भैया बता दो। नहीं भाई, तेरा भाई तो बिल्कुल लेगा, पहले दिन ही, पहले घंटे में, पहले मिनट में, पहले सेकंड में अपना भाई परचेस कर देगा और तुम्हारे सामने ले आएगा वीडियो सीजन 13 रॉयल पास जलाने के लिए। तो तुम कहता हम पहाड़ साइड आए, तब तक ये बंदा दिख जाता है, सोचता है ये बंदा दिखेगा नहीं, बट ये बंदा कहाँ जाने कि अदरक का स्वाद। जी हाँ गाइस, मतलब बड़े फ़ोन का कमाल। तो इस सांप का मैं 10 लेता हूँ मैं ही, तो इस दूसरे बंदा मैं ढूंढता हूँ भाई कहाँ वहाँ बैठा हुआ है। तो ये जो दूसरा बंदा था वो मुझे राइट में दिखता है, ये पता नहीं क्या कर रहा था, कहाँ पिक विक ले रहा था या फिर पता नहीं क्या ही कर रहा था, ये बंदा जानता है। तो कोई ना, इन दोनों का भाई कितना लूटेगा या नंबर दो भाई, कुछ तो छोड़ दिया है मेरे लिए, एमो नहीं है मेरे पास अब या बंदे नहीं है। तो कोई ना भाई, पता नहीं कितना लूट करता है या नंबर दो। तो अब क्या था सीन, या बंदे बचे थे कुल मिला के कितने बचे थे यार, या दो बचे थे। तो कह रहे लास्ट मैच है भाई, मैं चाहता हूँ भाई तू चला जाए। तो पता नहीं भाई फिर से कंटेंट का ये बर्बाद करने जा रहा है, फिर से गोली चलाता है। तो मैं सोचता हूँ भाई कहीं और बंदा दिख नहीं गया, मार दे कहीं। तो कहना गाइस अब बचे हैं कुल मिला के दो बंदे। जी हाँ गाइस, दो बंदे। और भाई ये दो बंदे कहाँ थे किसी को नहीं मालूम, पता नहीं क्या ही कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे। तो हम लोग हर जगह ढूंढे, हमने कहा भाई इधर देख चुका हूँ, लेकिन फिर से चलो एक बार फिर चेकआउट कर देता हूँ, क्या पता इधर बंदे हों या फिर इधर फिर से आए हों। तो पूरा जोन का मैं चक्कर लगाता हूँ कि पता है कौन से कॉन्करर लीग के ये बंदे हैं, कहाँ सांप के बंदे बैठे हैं। और इतना बड़ा सर्किल है और सिर्फ दो ही बंदे हैं, पता नहीं शायद जोन में हो। तो जैसे हम लोग जोन में आते हैं, हाँ हाँ यार बंदे नहीं दिखते हैं यार, पता नहीं क्या है। तो हम लोग इधर उधर घूमते हैं भाई, कुछ दिख जाए उधर जाए, इधर दिख जाए उधर दिख जाए। तो क्या चिंता, मैं यहाँ आता हूँ कि भाई कोई दिख जाए। इतने में क्या होता है, हमारा फ्यूल ख़त्म हो जाता है। देखो नहीं भाई, दो बंदे बचे हैं, ऊपर से पूरा फ्यूल ख़त्म, अब जाएँ तो हम जाए कहाँ। ए पबजी भाई, कैसी जगह तुमने हरकत की है ये। नहीं भाई बता दो भाई, दो बंदे कहाँ हैं। तो ये छोटे वाले जो घर दिखते हैं, तो मेरे को लगता है शायद यहाँ बंदे हैं, क्योंकि दो बंदे इधर ही हैं, तो शायद यहाँ शाम को बैठे हों या फिर कैंप करके बैठे हों। तो मैं जल्दी से घर में आता हूँ या फिर शैक में बैठा हूँ। तो शैक वैक चेक करता हूँ, घर चेक करता हूँ कि पता नहीं कहाँ ये बंदे बैठे हैं, बहुत मानने की मेरे चुल मची हुई है। तो जैसे मैं ऊपर जाता हूँ, नहीं भाई कोई नहीं दिखता है, तो वैसे मैं नीचे आ जाता हूँ क्योंकि भाई जोन आ रहा है, जाहिर सी बात है। तो मैं फटाफट जोन की तरफ भागता हूँ कि भाई अपने को बाहर नहीं मरना, मेरा कंडे बर्बाद नहीं करना, चिकन डिनर लेके जाना है इस मैच में। तो मैं फटाफट देखता हूँ कि भाई कोई पीछे पीछे बंदा शायद भाग भाग रहा हो। तो इतने में मैं सोचता हूँ भाई बंदे तो गए कहाँ भाई, कौन सी गुफा में लेटे हुए हैं भाई जो हमको दिख नहीं रहे। नहीं भाई कौन सी गुफा में। तो भाई मैं M249 निकाल लेता हूँ, और M4 निकाल लेता हूँ, पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ। तो इतने में क्या था, अब सामने जो बंदे हैं वो देखो दिख रहा है सामने, अब हमको दिख जाते सामने लेटे हुए। तो जैसे मेरे को दिखता है शायद वो भी स्पॉट कर लेते हैं हमको, और ये फटाफट कवर में चला जाता है, पता नहीं क्यों भाई, किल नहीं देना है क्या मेरे को। देख रहा भाई कवर में चला गया, जान गया था ये बंदा हम लोग यहाँ पे हैं। तो जैसे ये कवर में चला जाता है, तो मैं इसको डराने की कोशिश करता हूँ, भाई जब तुमने देख ही लिया तो क्यों ना तुझे मार ही दूँ। तो फिर क्या सीन था, देखो यार पता नहीं क्या ही कर रहे थे। तो भाई मैं फटाफट जल्दी से आगे बढ़ता हूँ इनको मारने के लिए, पेड़ के पास आ जाता हूँ कि भाई अब तू निकल बाहर। तो जो बंदा होता है वो पिक करता है भाई, किसको पिक कर रहा है। तो इस PMG का जैसे मैं गच्चों से करता हूँ, वैसे मैं हील करता हूँ क्योंकि मैं इसने शॉट लिया था एक दो मेरे। तो फिर हम जल्दी अपने नंबर दो को बुलाते हैं और कहते हैं भाई जरा देखो स्पॉट वोट करो, कहीं दिख रहा हो तुम्हें बंदा, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा इधर से। वो जो बंदा था पता नहीं कहाँ चला गया था। तो पेड़ के पास से ये दोबारा पिक करता है, तो ये वाइल्ड क्रेजी भाई फिर से इसको डाउन कर देते हैं गौरव जी को। तो अब जो क्या सीन था, ये दो बार नॉकआउट हो चुका, इसका हेलमेट वेस्ट में भी शायद ये डैमेज ही हो गया होगा बहुत ज़्यादा। तो जोन भी आ ही रहा था, तो मैं फिर से इसको देता हूँ, तब तक भाई ये जो वाइल्ड क्रेजी होता है वो अपना किल कंफर्म कर लेता है। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपना किल कंफर्म किया। अब जो बंदा था वो एक बचा था, और मेरे को पता नहीं था कि भाई इसका जो बंदा है वो मर चुका है। तो मैं भी अभी एज्यूम कर रहा था कि शायद दो ही बंदे हैं, तो मैं एक प्री नेट करता हूँ कि भाई शायद ये मर जाए, और इसने डैमेज दिया था तो मैं हील कर लेता हूँ फटाफट। तो मैं इस बार किंग एंग्रो की बात ना मान के, भाई कितना भाई कौन है ये, अबे वाइल्ड क्रेजी मत कर यार मैं डरा रहा है यार।
फ्री फायर क्रेजी मेरे को डरा रहा है और ये कह रहा है कि भाई इस पेड़ के पीछे है बंदा, ये पता नहीं क्या ही सीन करवा रहा था, मेरे कंधे बर्बाद करने के पूरा चढ़ रहा। तो मैं फटाफट स्मोक कर लेता हूँ लेफ्ट से कि भाई अगर लेफ्ट से अगर फ्लैंक मार दिया ना तो मेरा कच्चा चढ़ जाएगा, तब तक नहीं आता है इनका। ओ भाई अच्छा मैं पेड़ के पीछे था, ये बच गया मैं। तो इस वाइल्ड क्रेजी की ट्रिक काम आई और इसने मेरा अच्छा इस्तेमाल किया स्पॉट करने के लिए। मैं फटाफट एक और स्मोक करता हूँ ताकि मैं लेफ्ट फ्लैंक कर पाऊँ अच्छे से। तो जैसे ही स्मोक खुलता है वैसे मैं लेफ्ट फ्लैंक देख लूँ कहाँ पहले। तो मैं फटाफट लेफ्ट फ्लैंक करता हूँ कि भाई हाँ तुम कहोगे भाई राइट करते तो तुम तो अब लेफ्ट क्यों करो। भाई देखो कभी कभी लेफ्ट की भी बात माननी चाहिए, लेफ्ट कभी कभी धोखा नहीं देता है जैसा कि अभी देखना कैसे वाइल्ड क्रेजी के गच्चे गच्चे होता है। तो इस ऐसे माहौल में आप हमेशा एक काम क्या करो, पेशेंस। तो फटाफट मैं लेट जाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो गलती करे और वो आए सामने से भागकर ताकि मैं गच्चे गच्चे कर दूँ उसका। तो ओ भाई नेट तो मैं यहीं फेंक देता हूँ गलती से भागो। हाँ गाइस कभी कभी पैनिक में मेरा ये हरकतें हो जाती हैं। भाई लो टॉस क्यों रखा यार, किसने रखा यार लो टॉस? तो ये जो बंदा था पता नहीं कहाँ चला गया था, मेरे को बिल्कुल स्पॉट नहीं होता, शायद ये गीली वीली सूट उट पहन के बैठा है, पता नहीं क्या ही कर रहा था। तो मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ। अरे भाई उतरा क्यों नहीं, उतर जा। हाँ उतर गया, तो मैं नंगा हो गया तब तक ये। ओ भाई क्या नीड आया। तो वाइल्ड कीजिएगा जैसे ही कच्चा कच्चा होता है मैं फटाफट एक प्री वो देता हूँ शॉट्स ताकि वो डाउन हो जाए, बट उसको डैमेज पड़ा लेकिन वो नॉक नहीं हुआ, पता नहीं क्या किया। ओ भाई तो वाइल्ड कीजिएगा कच्चा कच्चा हो गया, इसने कॉल नहीं दी मेरे को, बताया भी नहीं भाई बंदा कहाँ है। अब क्या सीन था कि अब मालूम मेरे को मालूम पड़ गया था कि 1v1 का सिचुएशन है, ये बंदा थोड़ा सा पिक करता है तो मैं इसको शॉट देता हूँ। यही चीज़ हमेशा आप क्या करो, अगर उठोगे तो वो आपको स्पॉट कर लेगा, आपको मार सकता है, जिसकी मौली बेकार गई अच्छे हुआ। भाई ये लो टॉस क्यों आ रहा है? हाँ तो मैं फटाफट एक ग्रेनेड करता हूँ। अरे यार नहीं जाएगा यार, मुझे जोनाथन वाली वो सब सीखना है यार, जो नेट करता है वो आई बटन को नीचे करके। हाँ हाँ वो आई दिख रहा है। तो मेरे को फिर से लेफ्ट वो राइट दिखता है तो मैं फिर से एक वो करता हूँ शॉट लेता हूँ। अब देख रहे हो ये छोटा सा। तो विनर विनर चिकन डिनर पट से हेडशॉट के बाद। तो गाइस ऐसी आप भी क्या करो, पेशेंस का गेम खेलो, उसको पिक करने में मौका दो। तो 11 किल्स मैंने किए इस गेम में और भाई ने शायद 6-7 किए थे, बहुत मारे इसने। तो मैं फटाफट एक विक्ट्री डांस करता हूँ भाई। हाँ मज़ा आ गया मज़ा, अभी जाने की जरूरत नहीं यार, मैं तुम्हारे लिए एक क्लच लाया हूँ। तो गाइस देखो ये क्लच आपको अच्छा लगेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, स्टे सेफ स्टे होम, बाय बाय। देख तो लो पूरा, बाय बाय।